अक्सर आपने सुना होगा कि पूरे साल पढ़ाई नहीं किया तो अब लास्ट के 1 महीने या 15 दिन में क्या पढ़ लोगे। बट मेरा मानना थोड़ा सा अलग है। वेलकम टू स्त्री कॉर्नर, मैं हूँ आपकी फ्रेंड आराधना। अगर हम पूरे साल पढ़ाई करें, पूरे ईयर हमने अच्छे से पढ़ाई की है, बट लास्ट का जो 1 महीना है या जो लास्ट का 15 दिन है ना, अगर इस टाइम आपने पढ़ाई नहीं की तो ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम में एकदम ब्लैंक रहेंगी। आप लिखेंगी, एग्जाम अपना देंगी, बट जो आपका एक्सपेक्टेशन था ना, आप जो चाहती थी, आपको रिजल्ट वैसा नहीं मिलेगा। तो पूरे साल की पढ़ाई एक तरफ होती है और लास्ट का जो 1 महीना या फिर 15 दिन होता है ना, उसकी पढ़ाई एक तरफ होती है। अब इसका सिंपल सा रीजन ये है कि जब हमको पता चलता है कि हमारा एग्जाम इस डेट को हुआ है, हमारे माइंड में क्लियर होता है कि इस डेट को हमारा एग्जाम, तो हमारा माइंड जो है वो शार्प मोड में आता है और ज्यादा ही एक्टिव होता है। हम जो भी पोर्शन उठाते हैं, हमारे ऊपर प्रेशर रहता है कि एग्जाम है, हमें अपना 100% देना है, पूरे साल का हमें रिजल्ट एग्जाम में ही देना है, ये 15 दिन में हमें पूरे साल का कवर करना है। तो माइंड ज्यादा शार्प मोड में होता है, तो हम जो भी पढ़ते हैं वो जल्दी से कैच कर पाते हैं। और ऐसा तो है नहीं कि हम ये 15 दिन में नए टॉपिक्स पढ़ते हैं, 15 दिन में हम रिवीजन ही करते हैं। हाँ, कुछ चीजें नए लेते हैं, बट जो लास्ट का टाइम होता है ना, इसमें आप कोशिश करिए कि जो आप पढ़ रखी है उनको ही रिवाइज करिए। आप एक दो चीजें नई ले सकती हैं, बट ज्यादा उसमें टाइम वेस्ट मत करिए कुछ भी नया लेने में। कोशिश करिए कि आपने जो पढ़ा है उसको ही रिवीजन करिए। तो ये लास्ट के जो 15 दिन होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि मेरे भी एग्जाम्स के डेट आ गए हैं, 18 से मेरा एग्जाम स्टार्ट है। तो अभी जो ये 10-12 दिन है ना, ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफी दिनों से मेरे वीडियोस नहीं आ रहे थे, थोड़ा सा मुझे हेल्थ इश्यू हो गया था, वायरल फीवर अभी बहुत चल रहा है। अगर फैमिली में एक मेंबर को होता है तो पूरे फैमिली को हो जा रहा है वायरल फीवर, तो मैं भी अभी सफर कर रही थी। बट अभी मैं ठीक हूँ और क्योंकि एग्जाम्स आ गए हैं, अब डेट क्लियर हो गई है कि 18 को मेरा एग्जाम स्टार्ट है, तो थोड़ा ज्यादा ही जल्दी ठीक हो गई हूँ, या फिर ये कहूँ कि मजबूरी है। तो अभी वैसे मैं बहुत ही ठीक हूँ, पहले से बहुत बेटर फील कर रही हूँ। तो अब कल मॉर्निंग से मैं अपनी पढ़ाई 100% देने वाली हूँ और अपना रिवीजन स्टार्ट करने वाली हूँ। तो ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। कल मॉर्निंग में फिर से 4 बजे अब स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई। एंड आई होप कि जिसने भी मेरे साथ अपनी पढ़ाई स्टार्ट की थी 4 बजे करने के लिए, आप लोगों ने कंटिन्यू रखा होगा, आप लोगों की पढ़ाई नहीं छूटी होगी। मेरा थोड़ा सा हेल्थ इशू था, इस वजह से मेरी पढ़ाई छूट गई। तो फिर अब मिलते हैं कल मॉर्निंग में।